भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी की गिनती दुनिया के सबसे सुलझे हुए और शांत खिलाड़ियों में होती है। उन्होंने कई मौकों पर कठिन हालात में भी संयम का परिचय दिया और इसी व्यवहार के आधार पर अपनी एक खास पहचान भी बनाई है। धोनी देश को बड़ी सीरीज और वर्ल्ड कप जिता चुके हैं और एक कप्तान होने के साथ साथ महेंद्र सिंह धोनी विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई है और उन्हें अपने 15 साल के क्रिकेट करियर में बहुत ही कम बार गुस्सा होते हुए देखा गया। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि धोनी को कभी गुस्सा आता ही नहीं है या फिर उन्हें मैदान पर कभी गुस्सा होते हुए देखा ही नहीं गया। ऐसे कई मौके हुए हैं जब महेंद्र सिंह धोनी बहुत ही गुस्सैल रूप में नजर आ चुके हैं और आज हम आपको महेंद्र सिंह धोनी के उन्हीं मोमेंट्स के बारे में बताने वाले हैं जब उनको मैदान पर गुस्सा होते हुए देखा गया था। तो दोस्तों, अगर आपको भी महेंद्र सिंह धोनी पसंद है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 1, मनीष पांडे को धोनी ने गुस्से में लताड़ा। महेंद्र सिंह धोनी को सफल एथलीट कहा जाता है क्योंकि माही ने जिस तरह से विकेटों के बीच में दौड़ का एक शानदार नजारा पेश किया है ना, वो वाकई में काबिले तारीफ है। वैसे तो धोनी हमेशा बहुत ही शांत रहने वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन कभी कभी साथी खिलाड़ियों की वजह से उन्हें गुस्सा भी आ जाता है। आखिरकार वो भी तो इंसान है यार, और इन्हीं खिलाड़ियों में से एक है मनीष पांडे। साल 2018 में साउथ अफ्रीका के दौरे पर एक मैच के दौरान मनीष पांडे महेंद्र सिंह धोनी के साथ क्रीज पर मौजूद थे और तभी मैच में धोनी ने बॉल को मारा और 2 रन लेने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन 1 रन पूरा करने के बाद मनीष पांडे गेंद की तरफ देखने लगे जिसके चलते महेंद्र सिंह धोनी 2 रन नहीं ले पाए। उसके बाद फिर क्या, धोनी ने मनीष पांडे को डांटते हुए कहा, अबे इधर उधर क्या देख रहा है, इधर देखना भाई। 2, जब माही ने शमी को सुनाई खरी खोटी। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और टीम इंडिया 2014 में न्यूजीलैंड दौरे पर थी और इस दौरान टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जानी थी जिसमें वेलिंगटन में हुए टेस्ट मैच में भारतीय टीम की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और इसी मैच में ब्रैंडन मैकुलम ने 13 शतक जड़ दिया था। अब ये देखकर तो भारतीय टीम बैकफुट पर आ गई थी। वैसे धोनी की चिंता की बात ये नहीं थी बल्कि ये थी कि मोहम्मद शमी की गेंदबाजी कैसी चल रही है। शमी ने मैच में एक ऐसी गेंद फेंकी जो विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी के सर के ऊपर से ही निकल गई। उन्होंने शमी से पूछा कि क्या हो गया भाई साहब, ऐसी गेंद क्यों फेंक रहे हो? तो शमी ने जवाब दिया कि उनके हाथ से गेंद छूट गई थी। इसके बाद आ गया धोनी को गुस्सा और उन्होंने कहा, मैं आपका सीनियर खिलाड़ी हूँ, बताओ सच क्या है, मैंने बहुत से लोगों को अंदर बाहर होते हुए देखा है। हमारा माही भाई के ऊपर से उतर गया। अब माही भाई, मैं कैप वैप लिया, माही भाई बोले क्या यार ये क्या क्या किया, लास्ट बॉल था, एक तो कैच छूटा, जगह पर डालना चाहिए था। तो मैंने यार गुस्सा आ रहा था, मैंने माही भाई को, नहीं नहीं हाथ से छूट गया। तो माही वाले टाइट थोड़ा सा टाइट लैंग्वेज में बोला, देख बेटा बहुत लोग आए मेरे सामने, बहुत लोग खेल के चले गए, झूठ मत बोल। नंबर 3, माही को आया कुलदीप पर गुस्सा। पूर्व भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अक्सर क्रिकेट के मैदान पर शांत ही देखा गया है। धोनी को जितना काम विकेट के आगे खड़े रहकर करते हुए देखा गया है उतना ही काम वो विकेट के पीछे भी करते हैं जिससे गेंदबाजों को बहुत मदद मिलती थी। अब वो विकेट के पीछे से ही गेंदबाजों को काफी मदद किया करते थे कि ऐसे बॉल डालो, ये करो, वो करो, इशारों ही इशारों में वो गेंदबाजों को विकेट लेने का सही तरीका भी बताते थे। मौजूदा समय में टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली को 2018 के एशिया कप में फिट न होने की वजह से वो उस मैच में नहीं खेल रहे थे और महेंद्र सिंह धोनी को कप्तानी दे दी गई। अब इस मैच में कुलदीप यादव को धोनी की सेट की गई फील्डिंग अच्छी नहीं लगी तो वो खुद ही फील्डिंग सेट करने लगे और फिर उसको देख धोनी ने कुलदीप से कहा कि अरे भाई गेंदबाजी करेगा या नहीं करेगा या फिर मैं गेंदबाज चेंज करूं। नंबर 4, जब माही के एम्पायर से हो गई बहस। महेंद्र सिंह धोनी के नाम 0.09 सेकंड में स्टंपिंग करने का रिकॉर्ड दर्ज है और धोनी की चीते जैसी फुर्ती के सामने किसी बल्लेबाज की चाल कामयाब हो पाना बहुत मुश्किल है। कुछ ऐसा ही वाक्य घटित हुआ साल 2011-12 में जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी। इस दौरान त्रिकोणीय सीरीज के एक मैच के दौरान माइक हसी ने धोनी को स्टंप आउट कर दिया था और उसके बाद हसी पवेलियन जाने लगे और मैदान पर खड़े अंपायरों ने अपना डिसीजन 3rd एम्पायर को रेफर कर दिया। इसके बाद हसी को मैदान से बाहर ना जाने के लिए कह दिया। इस डिसीजन से महेंद्र सिंह धोनी नाखुश लगे और उनकी एम्पायर से बहस होने लगी। नंबर 5, डैरिल हार्पल भी नहीं बच सके धोनी के गुस्से से। अब मैच के दौरान महेंद्र सिंह धोनी की नजर बहुत ही पैनी रहती है। उन्होंने क्रिकेट जगत में अपने अनुभव का खूब इस्तेमाल किया। धोनी ने तो कई बार एम्पायर तक को बताया कि आप देखिए इस जगह पे आप गलत कदम उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप। इसी बात को लेकर एक बार महेंद्र सिंह धोनी ने अंपायर डैरिल हार्पल को भी अपना गुस्सा दिखा दिया। अब भारतीय टीम के पूर्व गेंदबाज प्रवीण कुमार का टेस्ट डेब्यू था जिसमें वो गेंदबाजी कर रहे थे और इस मैच में गेंदबाजी करते हुए प्रवीण कुमार विकेट के सामने आ गए और जिसके लिए उन्हें अंपायर डैरिल ने ओवर डिसमिस कर दिया, जिस पर महेंद्र सिंह धोनी को आ गया गुस्सा और उन्होंने अंपायर डैरिल को कहा कि आपको पहले वार्निंग देनी चाहिए ना, सीधे फैसला ले लिया, जिसको लेकर अच्छी खासी कहासुनी हो गई थी। नंबर 6,
पत्रकार भी हो चुके हैं धोनी के गुस्से का शिकार। मैदान के बाहर भी लोग धोनी के गुस्से का शिकार हो चुके हैं। जी हाँ, साल 2016 में बांग्लादेश दौरे पर टीम इंडिया T20 सीरीज खेल रही थी और मैच जीतने के बाद धोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं, लेकिन एक भारतीय पत्रकार ने धोनी से स्लो रन रेट को लेकर ऐसा सवाल किया जिसे सुनकर वो अपना आपा ही खो बैठे और धोनी ने पत्रकार के सवाल पर उल्टा जवाब देते हुए कहा कि लगता है कि आपको हमारी जीत से खुशी नहीं हुई है, क्यों भाई साहब? तो क्यों दोस्तों, धोनी के इस गुस्से वाले रूप के बारे में आपका क्या कहना है नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको भी धोनी पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।